Okay, welcome again, student. Today we are going to discuss a topic from the chapter number 9 according to your syllabus. Today we are going to discuss dynamic memory allocation. This is the topic of the day. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ठीक, इससे पहले हम बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन शब्द के बारे में। मेमोरी एलोकेशन होता क्या है? मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है मेमोरी को तैयार करना या मेमोरी को किसी कार्य को समर्पित करने के लिए तैयार करना, ये कहलाता है मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, मेमोरी एलोकेशन होता कितने तरह का? मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला आपका एरे, जो कि आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है, और दूसरा होता है जो कि आपका मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक, इन फंक्शंस की मदद से आप तैयार करते हैं, जिसको आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। डिफरेंस क्या होता है, तो आइए मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन। नंबर वन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और दूसरा है आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत आपका एरे आता है, जिसमें आप पहले से मेमोरी का कुछ साइज दे देते हैं। जैसे जब आप इस उसको एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और स्क्रिप्ट में कुछ साइज पास कर देते हैं, तो वो हो जाता है फिक्स। यानी कि होता क्या है कि उस सिचुएशन में कि आप चाहें जितना भी डेटा उसमें सेव करना है, आप चाहें जितना का मतलब ये नहीं कि मेमोरी लिमिट से ज़्यादा, जैसे कि इंट, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इंट एर, ये मेरा एक वेरिएबल नेम हो गया और ये हो गई इसकी स्क्रिप्ट। इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वेरिएबल को। तो इसमें होता क्या है कि सपोज दैट हमने यहाँ पर 100 मेमोरी ब्लॉक लिए हैं। अब जरूरी नहीं कि हम इन मेमोरी ब्लॉक पे सभी पे वैल्यू डालें, सभी पे वैल्यू डाल के काम कराएं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हमारे मेमोरी ब्लॉक खाली पड़े रहते हैं तो हमारी रैम मेमोरी की कॉम्प्लेक्सिटी कभी कभी आ जाती है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम ऐसा प्रोग्राम बनाएं या ऐसा कोड लिखें जिससे कि हमें केवल जितनी मेमोरी की आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, उतने ही ब्लॉक हम मेमोरी के अलॉट करें, मतलब एलोकेट करें और उस पर वर्क कराएं। बाकी जो मेमोरी बची हुई है वो हमारी अन्य फंक्शंस के लिए बची रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि हो सकता है कि हमने ज़रूरत के हिसाब से मेमोरी कम ली हो या ज़्यादा ली हो। तो ऐसी समस्याएं जो होती हैं वो स्टैटिक मेमोरी के साथ आती रहती हैं। लेकिन अगर इस समस्या से छुटकारा पाना है और अपने कंप्यूटर की स्पीड और अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्टली बनाए रखना है, तो ऐसे में हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और एक बात बता दें आपको, जब हमारा प्रोग्राम लेंदी होता है तो उसको एग्जीक्यूट होने के लिए भी ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें हमारा कोड ऐसे कंपोज करना चाहिए जिससे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज होते हुए हमारे कंप्यूटर का जो एग्जीक्यूशन सिस्टम है वो हमारे कोड को अच्छे से और जल्दी एग्जीक्यूट करें। दूसरा होता है हमारा डायनेमिक एलोकेशन। डायनेमिक एलोकेशन का मतलब होता है गतिमान सीन मेमोरी का निर्माण करना, यानी कि
इसमें होता क्या है कि जैसे ही हमारे प्रोग्राम का कोड एग्जीक्यूट होता है उस समय हम मेमोरी को जितनी हमें अपना डेटा मतलब अपने सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में जितना डेटा रखना होता है तो वो हम पहले से माइंड सेट किए होते हैं और उस डेटा को हम अपने रखने के लिए पहले से मेमोरी साइज अपने हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में कोड को बता देते हैं कि हमें इतना मेमोरी साइज चाहिए बिकॉज वी आर प्लेसिंग दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम इतने एलिमेंट इसमें मेमोरी में रखना चाहते हैं तो हम उसके हिसाब से पहले साइज बता देते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटी हैं वो आपकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ही पॉसिबल हो पाती हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत भी जो हैं हमें कोई तीन फंक्शन जो सी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए गए हैं जिनको जो कुछ इस प्रकार है, आइए देखते हैं। पहला फंक्शन है हमारा जो डायनेमिक मेमोरी के अंतर्गत आता है वो पहला है मैलॉक फंक्शन और दूसरा है हमारा कैलॉक फंक्शन और तीसरा है हमारा री एलॉक फंक्शन और चौथा और आखिरी एक फंक्शन जो है जो इस मेमोरी को फ्री करने के लिए होता है जिससे कि हमारे जो प्रोग्राम का कोड है उसमें जो दूसरे पार्ट्स हैं उसके एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी बने रहे वो कहलाता है फ्री फंक्शन। तो चौथा हमारा है फ्री फंक्शन। ये तो इन फंक्शंस के बारे में मैं आपको वन बाय वन बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैलॉक फंक्शन, मैलॉक का फंक्शन का पूरा नाम आप ये समझ सकते हैं मेमोरी एलॉक फंक्शन या मेमोरी एलोकेशन फंक्शन, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यानी कि मेमोरी शब्द जो है मैलॉक फंक्शन में जो एम अक्षर है, एम लेटर है, इसको आप ने लिया है मेमोरी से और एलोकेशन जो शब्द है वो जो एलोक है इतना ये आपने लिया है एलोकेशन से और ये आगे फंक्शन का साइन है। इसका मतलब होता है कि जब मैलॉक फंक्शन का हम डायनेमिक मेमोरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो मैलॉक फंक्शन क्या करता है, एक मेमोरी प्लॉट एरिया तैयार करता है, जितना हम साइज देते हैं उस साइज के अकॉर्डिंग नया मेमोरी में ये एरिया लेता है और उस पर आपका वर्क होता है। उसके बाद में अगला हमारा आता है कैलॉक फंक्शन। कैलॉक का मतलब होता है कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन। फंक्शन इस तरीके से, इसमें क्या होता है कि कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन में तो कॉन्टिगुअस का मतलब सी जो है वो कॉन्टिगुअस मेमोरी के लिए लिया गया है और एलोक जो है ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लिया गया है। इस तरीके से कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि जब कॉन्टिगुअस मेमोरी फंक्शन यानी कि कैलॉक फंक्शन का यूज़ करके जब मेमोरी बनाई जाती है तब मेमोरी के बहुत सारे ब्लॉक बनते हैं। यानी कि जैसे कि आप जब स्टैटिक मेमोरी डिजाइन करते हैं एरे के थ्रू तो उसमें एरे में बहुत सारे मेमोरी एड्रेस ब्लॉक्स बन जाते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी अलग अलग डेटा को प्लेस करने के लिए इसमें अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं। इसी प्रकार से एक फंक्शन और होता है हमारा रीअलॉक। रीअलॉक का मतलब होता है, री मतलब दोबारा और एलॉक मतलब होता है मेमोरी बनाना। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने अपने प्रोग्राम जब हम रन करा रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने मेमोरी कम ली है या ज़्यादा ले ली है, तो ऐसे सिचुएशन में मेमोरी का साइज रीसाइज करने के लिए हम इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इस फंक्शन से लाभ ये है हमें कि प्रोग्राम जब हमारा चल रहा होता है तो मेमोरी अगर ज़्यादा ली है तो उसको फ्री करा सकते हैं और उसके बाद में अगर मेमोरी कम ली है तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से डायनेमिक मेमोरी और तैयार कर सकते हैं। तो इसको इस फंक्शन का प्रयोग जो है वो रीसाइज करने के लिए होता है। लास्ट में आता है हमारा फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मैलॉक हो गया, कैलॉक हो गया और आपका
रीअलोक हो गया इन फंक्शंस के माध्यम से एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम को रन कराने के लिए जो मेमोरी हमने अलॉट की थी, मतलब अलॉट की थी, अलॉट का मतलब होता है कि जिससे हमने तैयार की थी वर्क कराने के लिए, उस मेमोरी एरिया को दूसरे फंक्शंस को रन कराने के लिए उसको फ्री करा लेते हैं, जिससे कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट बना रहे। तो ये जो था आपका इन फंक्शंस का इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन के बाद में मैं आपको अगले वीडियो में जो है मैलॉक फंक्शन के बारे में आपको छोटा सा कोड दूंगा, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि मैलॉक फंक्शन वर्क कैसे करता है, और वन बाय वन मैं आपको सारे प्रोग्राम दूंगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।